अच्छा जी, नेक्स्ट क्लास ऐसे करेंगे कि हम इसके फौरन बाद ना एक क्लास लेंगे, उसमें ठीक है आपको पढ़ाते नहीं है लेकिन आप लोगों के साथ बातचीत हो जाएगी टाइमिंग के ऊपर, क्या टाइम करना चाहिए, क्योंकि आप लोग लगता यही है कि आपके टाइम में प्रॉब्लम आ रही है आपको। नहीं सर, नहीं आ रही सर। अच्छा जी, यस सर, ठीक है एब्रेजन बिल्कुल। वगैरह के बारे में हम बात कर चुके हैं कि व्हाट इज एब्रेजन, इरोजन और ये सारा कुछ। तो एब्रेजन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा वियर भी समझना पड़ेगा ना। वियर का मतलब वियर ऑफ किसी चीज का हट जाना। तो वियर जो है उसके काफी मैकेनिज्म हो सकते हैं, मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल। मैकेनिकल वियर भी हो सकता है, मैकेनिकल टू एब्रेज मतलब किसी भी चीज के ऊपर आके कोई रगड़ असर अंदाज हो और उसको वियर ऑफ कर जाए, और केमिकल कोई भी केमिकल आके उसको एब्रेड कर सकता है। तो वियर की जो सीधी सीधी सी डेफिनेशन है वो इंडेंटेशन है या स्क्रैचिंग ऑफ अ सरफेस, इसको आप कह सकते हैं। ठीक है जी, तो अगर वो फूड या टूथपेस्ट या मतलब कोई भी एब्रेसिव एक्शन हो हमारा, इवन ब्रश जो है उसको भी हम कहें तो उसको एब्रेसिव वियर कहेंगे। ठीक है जी, तो हार्डनेस जो होगी हमारी इट इज द रेजिस्टेंस टू एब्रेजन। ठीक है, तो स्ट्रेस फटीग और वो जो हमें जो फिनामिना थे जो हमने उधर बात की उस दिन, सॉरी कल, तो स्ट्रेस जो थी उसमें आपको स्ट्रेस साइकिल और उसका सारा कुछ पता चल गया फटीग वगैरह का। जी सर। अच्छा चले ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन हुआ था जिसकी वजह से मैं इस पे मजबूर हुआ था कि आप लोगों का टाइम ज्यादा करूं, क्योंकि उसको मैं उस टाइम में छोटे से टाइम में समझा नहीं सका था। एक था साइक्लिक वियर और एक थी सॉरी वियर के ऊपर आके तो वियर पर बात कर रहा हूँ, एक था साइकिल और दूसरा था फटीग लिमिट थी और दूसरी थी फटीग लिमिट और फटीग साइकिल, फटीग लाइफ और फटीग साइकिल। ठीक है ना जी, तो फटीग लाइफ सीधी सीधी सी बात है कि एक मैग्नीट्यूड हमारे पास गिवन हो, एक फ्रीक्वेंसी हो और उसके ऊपर हम साइकल्स का जो नंबर है वो हम ऑब्जर्व करें कि इतने अरसे के अंदर इसने फ्रैक्चर कर दिया है, तो ये फटीग लाइफ होगी। ठीक है जी, और अगर हम सिर्फ ये देखें कि कितने साइकल्स के अंदर ये चीज टूट जाती है तो ये उसकी फटीग लिमिट होगी। ये इन सिंपल हम इसको बता सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है जी, हार्डनेस जो है वो हमारी रेजिस्टेंस टू वियर आ गई। ठीक है, और इसको दूसरे उसमें हम ये भी कह सकते हैं रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन बाय एनी हार्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, तो वैल्यू ऑफ हार्डनेस जो होती है अमूमन यूजुअली हम उसको एक्सप्रेस किस में करते हैं, नंबर्स में करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो उसके लिए ज्यादातर हमारे पास जो हार्डनेस के पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर हम देखते हैं वो है विकर्स, नूप, ब्राइनल, रॉकवेल, मोस, बारकोल, ये भी आगे हैं लेकिन इसको देखा जाता है। तो इसको अमूमन हम मेजरमेंट जो करते हैं इसको एक माइक्रोस्कोप के थ्रू हम करते हैं, क्योंकि परमानेंट डिफॉर्मेशन की हमने डिग्री को इसमें देखना होता है। सो व्हेन वी वांट टू सी परमानेंट डिफॉर्मेशन वी हैव टू कंसिडर इन आवर माइंड दैट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और रिलेशनशिप मस्ट बी इन आवर माइंड, सो एज वी पीपल और एनी मेजरमेंट शुड बी एक्यूरेट, बिकॉज व्हेन वी अप्लाई अ डेफिनेट फोर्स और स्ट्रेस टू एनी बॉडी इट goes to a limit till point P, which is proportional limit. At that point, if we remove the stress, then it will come back. Proportional limit mean total recovery. If it goes to point E, that is yield stress, then a degree of
permanent deformation remains. So from point E, we calculate the degree of permanent deformation. Or to be more accurate, beyond point P, we can or we should measure the accurate hardness of that material, because below point P or till up till point P is the proportional limit which will be spring back or which will recover. Now these are the some values which you can see, and I am here, I will show you the slide. So these are some values, and the indenters used for different to evaluate hardness of different materials. Brinell has a round or ball shaped. Wicker have a, क्या कहेंगे इस चीज को? Diamond shape. Diamond shape, and Noop has a also have a diamond shape, but it's slightly bulging from the side. जी जी बिल्कुल. And जी pyramid कह सकते हैं. Pyramid कह सकते हैं बिल्कुल जी. So increase hardness for wicker test goes from ये जो बड़ा साइज होगा इसका मतलब है छोटा, इसकी वैल्यू कम है, और अगर छोटा इंडेंट होगा इसका मतलब है कि इसकी हार्डनेस ज्यादा है. समझ आ गई इस चीज की? क्योंकि जो नरम चीज होगी उसमें वो ज्यादा दूर तक जाएगा ना इंडेंट, तो जो सख्त होगी उसके अंदर इतना नहीं जाएगा, इसलिए वहां पे छोटा इंडेंट पड़ेगा. क्लियर? यस सर. अच्छा जी, ये विकर हार्डनेस के कुछ नंबर्स हैं. ये अगर आप लोग याद रखें तो बहुत अच्छी बात है. इनेमल इज 350 और ये विकर हार्डनेस नंबर है, VHN का मतलब. ठीक है जी, तो डेंटीन का 60, एक्रेलिक रेजिन जो होगा उसका 20, डेंटल अमलगम 100, पोर्सलिन 450 एंड कोबाल्ट क्रोमियम अलॉय इज 420. और इसमें आप थोड़ी सी ये चीज ध्यान में रखें कि पोर्सलिन जो है ये उससे मेटल से ज्यादा है इसका हार्डनेस. ठीक है जी. Yes, sir. अच्छा जी, फिर दोबारा हम उसी पर आते हैं जी. अच्छा जी, इसके बाद जी हमारे पास जो चीज आएगी वो ये होगी. ये हमारा हार्डनेस हो गया जी. जी सर, ये टू बॉडीज एब्रेजन और थ्री बॉडीज एब्रेजन क्या होता है सर? ये टू बॉडी का मतलब ये है कि दो बॉडीज आपस में जो है ना वो कर रही हैं. मतलब है कि दो दांत आपस में सर. दो दांत आपस में हैं. और थ्री बॉडी ये हो गई कि दरमियान में आपने समझो जैसे दो दांतों के दरमियान में आपने पेंसिल रख के तो खाना शुरू कर दिया. पेंसिल या कोई हड्डी अगर खाने में आ जाए, बात करो ना, हड्डी हो गई, कोई रेत आ गई मुंह में, कुछ आ गया. समझाने के लिए कि दांतों के दरमियान में अगर आप पेंसिल रगड़ के रगड़ते रहे तो कुछ अरसे बाद आपके दांत रगड़े हुए होंगे, तो ये थ्री बॉडी रिक्वायर होगा. दो आपके दांत और तीसरा वो पेंसिल. ठीक है जी. नाउ इलास्टिसिटी एंड विस्को इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी एंड विस्को इलास्टिसिटी आप लोगों को मैडम ने भी मेरे ख्याल से ये चैप्टर पढ़ाया हुआ है. मैं हैरान ये हूँ कि आप लोग किस सेंस में हो. आपको इंडेंटर भी जरा दिखा देता हूँ. इंडेंटर क्या चीज होती है? इंडेंटर जी ये होता है, इसको हम इंडेंटर कहते हैं. ये उसका पीछे वाला सिस्टम है जो मशीन के अंदर लगेगा, और ये जो चीज है ना ये इंडेंटर है. ये पूरा इंडेंटर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हमने जो चीज हार्डनेस देखनी होती है वो सिर्फ इतनी सी होती है. कोई इतना बड़ा इंडेंट नहीं होता कि लेके हम उसके अंदर पूरा एक एक इंच और दो दो इंच की इंडेंट डालेंगे. ठीक है. अच्छा yes, इसके बाद जी इलास्टिसिटी और विस्को इलास्टिसिटी जो है इसको अगर हम डिफाइन करें तो मेरा ख्याल से यील्ड स्ट्रेस जो होगी वो हम पहले बात कर चुके हैं कि इज
the value of stress beyond which material becomes permanently distorted. ठीक है ना जी. और इलास्टिक प्रॉपर्टीज जो होगी उसको हम क्या करेंगे, कहेंगे कि इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू अंडरगो इलास्टिक रिकवरी. मतलब उसमें वही चीज वापस आ जाए, इलास्टिक इलास्टिसिटी जो है. जैसे हम रबर को खींच के छोड़ें तो वो रबर अपनी जगह पे वापस आ जाए, तो ये इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी. तो व्हेन अ मटेरियल अंडरगोज फुल इलास्टिक रिकवरी इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ एन अप्लाइड लोड इट इज इलास्टिक. And example is spring. And if the degree of permanent deformation remains or recover slowly, then the material is said to be viscoelastic. ठीक है जी. तो इसको हम आपके लिए वो भी कर देते हैं कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाए. इधर इसके ऊपर भी डाल देते हैं इलास्टिक एंड विस्को इलास्टिक जो है, इसकी डेफिनेशन भी आपके सामने आ जाएगी ताकि आपको नेक्स्ट उसमें आसानी रहे. ठीक है जी. अच्छा जी, इसके बाद क्या होगा जी, एक ही स्लाइड अगर आपको दिखाता हूं तो वो ज्यादा आसान रह जाएगी. ऐसा तरीका ठीक है, देखो है? क्या हुआ जी, खैरियत, क्या मसला था? पता नहीं किसके साथ मसला, हमें खुद पता नहीं ये कौन था. चलो किसी के घर वाले शायद सुन रहे होंगे. चले जी, स्प्रिंग अगर हम देखें तो ये हमारा इलास्टिक प्रॉपर्टी है. स्प्रिंग को खींचेंगे छोड़ेंगे वापस अपनी जगह पे, और इसको हम डैशपॉट कहते हैं. डैशपॉट की अभी मैं आपको एक समझा दूंगा कि डैशपॉट किसको कहते हैं. डैशपॉट हम भी जब पढ़ते होते थे समझ नहीं आती है डैशपॉट क्या चीज है. डैशपॉट ये हमारी विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी को शो करता है. तो अगर तो ये दोनों सीरीज में हो, एक स्प्रिंग और एक डैशपॉट दोनों एक ही लाइन में होंगे तो हम इस मॉडल को मैक्सवेल मॉडल कहेंगे. और अगर ये एक साइड पे हो, एक तरफ दूसरी तरफ बिल्कुल लगा हो इसके पैरेलली डैशपॉट हमारा, तो ये क्या होगा, ये हमारा वाइड मॉडल होगा. ठीक है जी. तो अब अगर हम इस मॉडल को देखने के लिए जाते हैं कि डेली लाइफ में ये चीज हमें कहां पे मिलती है, तो कोई आइडिया है आपके पास कि डेली लाइफ में हम इस चीज को कहां पर देख सकेंगे? के वेट को मेजर करने के लिए जो जी? वेट को मेजर करने के लिए जो होता है इसी तरह का. नहीं 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 नहीं, मैक्सवेल में हमने क्या कहा है कि मैक्सवेल में क्या होगा हमारे साथ, स्प्रिंग और डैशपॉट सीरीज में होगा. डैशपॉट सीरीज में होगा, सीरीज में होगा. ठीक है जी. तो अगर हम आपको एक चीज दिखाएं, ये तो क्या आप इसको बता सकते हैं ये क्या चीज है? सस्पेंस जी, ये तो रक्षे का टायर है. ये रक्षे का नहीं, ये मेरे स्कूटर का टायर है शायद, या हो सकता है रक्षे का. हाँ नहीं, हाँ ये रक्षे का है, बिल्कुल जबरदस्त जी. आप जबरदस्त जी, जबरदस्त मजरुल्ला ने मतलब यह है, ये रक्षे में बैठता नहीं है, रक्षे को देखता रहता है. अच्छा, इसमें अगर आप देखें ना तो ये इसके अंदर जो है ये शॉक एब्जॉर्बर लगा हुआ है जी सर, और ऊपर स्प्रिंग है. तो ये दोनों क्या हो गए, हमारा मैक्सवेल मॉडल आ गया. ठीक है जी. तो ये रक्षे का. अब मैं आपको दूसरा मॉडल दिखाता हूं इसके अंदर, जो होगा हमारे पास किसका, ये रक्षा था ना जी. तो अब हम आपको स्कूटर दिखाते हैं. सॉरी, स्कूटर के लिए हमें ये आ गया जी स्कूटर. सर स्क्रीन ऑफ हो गई आपकी. खैर खैर है, खैर है यार, ऐसी कौन सी बात है. ये लो, ये आ गया जी हमारा वाइट मॉडल. तो ये है जी मेरा स्कूटर और ये इसका मॉडल है. इसके अंदर ये वाला जो चीज है, ये वाली, ये हमारा डैशपॉट है और ये हमारा स्प्रिंग है.
तो ये आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि ये दोनों ये भी वही चीज करते हैं, शॉक और एब्जॉर्बर जो है और स्प्रिंग हमारे गाड़ियों में जो लगे होते हैं, स्कूटरों में, रिक्शों में, तो ये हमारे लिए इसी तरह की फैसिलिटेशन देते हैं और सेम यही चीज जो है हमारी जो है विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करती है। इसके बाद कुछ आप लोगों को दिखाते हैं प्रॉपर्टीज। तो इसमें अगर आप देखें इलास्टिक मटेरियल होगा, अगर हमने लोड अप्लाई किया जीरो से लेके ये ओरिजिनली अगर आप इसको देखें तो स्ट्रेन ये बढ़ रही है, ठीक है, इसमें स्ट्रेन जो है हमारी बढ़ रही है, ये स्ट्रेन जो है ये ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, ये इन्होंने तो ये एरो नीचे किया हुआ है ना, तो ये नीचे उन्होंने जीरो दिखाने के लिए किया हुआ है। तो जब स्ट्रेन बढ़ रही है तो लोड जो है आपका क्या ख्याल है, लोड भी इंक्रीज करेगा, लेकिन जो ही हम लोड को रिमूव करेंगे तो ये फौरी तौर पे नीचे चला जाएगा। ये जो चीज है ओरिजिनली इसको उल्टा होना चाहिए था, ये नीचे की तरफ स्प्रिंग लगा होना चाहिए था, तो ये इन्होंने वैसे आपको एक जिसको कहते हैं ना वो दिखाई है, जिसको कहते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया। समझ आ गई इस चीज की कि स्ट्रेन जब हम इंक्रीज करेंगे लोड भी इंक्रीज होगा, तो लोड को जो ही हम रिमूव करेंगे क्या होगा, हमारा जो इतने टाइम के बाद, लेकिन जितना भी टाइम गुजर जाए जब आप स्प्रिंग को छोड़ दें अंडर इलास्टिक लिमिट प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर अंदर, तो क्या होगा वो फौरन जीरो के ऊपर वापस चला जाएगा। क्लियर है जी ये? जी सर, ये अगर दोबारा समझा दे सर इस चीज। देखो ये स्प्रिंग है, नजर आ रहा है ये वाला स्प्रिंग? यस सर। एक तो इनकी चैट वालों की मुझे समझ नहीं आती क्या होगा इनको। अब्दुल्ला प्रेजेंट, ये क्या आपको किसने कहा कि प्रेजेंट लिखते रहो आज? ये वैसे ही शुरू हो गए हैं सारे। हां ना, अपने पास है ना, लिखो उनको को खैर है। सर ये आप स्प्रिंग का क्या कह रहे थे कि ये उल्टा होना चाहिए, आप कुछ कह रहे थे स्प्रिंग के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल जी, उल्टा से मुराद ये है कि आप लोगों को समझ नहीं आ रही ना इसके ऊपर। ओके ठीक है, ये इसलिए कि अगर ये इधर होगा ना यहाँ पे इस तरफ पड़ा हो और हम इसको खींच के ऊपर ले जाएं तो फिर ही लोड अप्लाई होगा ना इसके ऊपर, तो इधर से अगर हम नीचे की तरफ लेके आएंगे तो वो तो हमें नजर नीचे, तो ये ग्राफ तो नीचे की तरफ नहीं बना हुआ ना, ये तो ऊपर की तरफ बना हुआ है क्योंकि स्ट्रेन हम ऊपर शो कर रहे हैं। इसको हम अगर नीचे की तरफ खींचेंगे तो स्ट्रेन होगी ना, तो अगर ये उल्टा पड़ा होगा तो फिर हम ऊपर की तरफ खींचेंगे तो स्ट्रेन आएगी। क्लियर है? ठीक है ना, तो यही चीज है कि लोड अगर अप्लाई करेंगे, स्ट्रेस जो है हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये स्ट्रेन ज्यादा होती जाएगी, लेकिन जो ही लोड रिमूव करेंगे स्ट्रेन इसकी फौरी तौर पर जीरो हो जाएगी। क्लियर जी? यस सर। यस सर। अच्छा जी, नेक्स्ट आप चलते हैं जी। अच्छा इसमें ये नहीं होता, नोटेशन खत्म करते हैं। इसके बाद ये प्लास्टिक मटेरियल अगर हमारे पास कोई आता है तो इसमें यही देखें, जीरो स्ट्रेन है उसकी, अभी लोड हमने अप्लाई किया, ये सारा कुछ आप ध्यान में रखें। अब इसमें डैशपॉट आ गया, पहले स्प्रिंग था अब डैशपॉट है, तो जीरो था हमारे पास स्ट्रेन, जब हमने इसके ऊपर एक कांस्टेंट लोड डाला तो अब ये क्या करेगा, ये स्प्रिंग की तरह ऊपर एकदम से नहीं जाएगा जिस तरह वो एकदम ऊपर चला गया था, ये क्या आहिस्ता आहिस्ता जाएगा, क्योंकि ये आता भी नीचे आहिस्ता है तो ये ऊपर भी आहिस्ता आहिस्ता जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई? यस सर। शॉक एब्जॉर्बर वाली बात ना, कि शॉक एब्जॉर्बर को जितना हम प्रेस करते हैं तो फौरी तौर पे वो रिकवरी नहीं करता, इट कम्स आउट स्लोली एंड ग्रेजुअली, एंड व्हेन वी रिमूव द लोड इट अटेन्स इट्स पोजीशन वेयर अ परमानेंट डिफॉर्मेशन कैन बी सीन। तो टाइम इतना गुजरने के बाद अगर हम उसके ऊपर से लोड खत्म भी कर देते हैं तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाती है, किसमें, डैशपॉट में, व्हाइल इन इलास्टिक मटेरियल में ऐसा कुछ नहीं होता। जो ही हम लोड को अप्लाई किया, कांस्टेंट लोड रखी रखा, टाइम गुजर गया, लोड को जो ही छोड़ा, फौरी तौर पे वो जीरो पे वापस चला जाता है। क्लियर है जी? यस सर। अच्छा, अब यही चीज अगर हम विस्को इलास्टिक में देखें तो उसमें भी यही होगा कि लोड हमारा अप्लाई होगा, स्प्रिंग होगा, कांस्टेंट लोड होगा, डैशपॉट हमारा ओपन होगा, फिर स्प्रिंग जो है वो फौरी तौर पर रिकवर कर जाएगा, लेकिन डैशपॉट उसको आगे नहीं जाने देगा, तो परमानेंट डिफॉर्मेशन हमारे डैशपॉट की रह जाएगी। इसी तरह से हमारे विस्को इलास्टिक वाइट मॉडल में भी ये होगा, इधर से हमने जीरो से शुरू किया, कांस्टेंट लोड दिया और लोड को फिर रिमूव कर दिया,
तो वो उसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता वापस जाएगा, एकदम से वापस नहीं जाएगा। ये सिंपल सी चीजें, इसमें कोई खास वो नहीं है। यूनिवर्सल मॉडल जो होगा उसमें अलबत्ता ये जरा डबल मसला आ जाता है, उसमें दोनों चीजें इकट्ठी लगा दी जाती हैं, मैक्सवेल और वाइट दोनों इकट्ठे, ठीक है जी। तो मिक्स मॉडल हमारा अमूमन डेंटिस्ट्री में यूज होता है, और ये इलास्टिक इंप्रेशन मटेरियल्स को ही हमारे को शो करता है, ठीक है जी। तो इसके अलावा हमारे पास कोई और ऐसी चीज नहीं होती कि हम उसके ऊपर बात कर सकें। अच्छा ये भी नहीं है, तो यहाँ पर हम हैं, ठीक, ये भी नहीं है, बहुत अच्छा जी। हम कहाँ पे चले गए, हमारा शेयर कहाँ है, ये वाला शायद जी। हाँ ठीक है जी। अब ये विस्को इलास्टिक और इलास्टिक प्रॉपर्टीज मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जानी चाहिए। इसके बाद ये हमारे पास जो चीज आती है वो फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आती हैं। और जी 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 क्या बात करना चाह रहे हैं आप, देन द प्रॉपर्टीज कम्स क्रीप एंड स्ट्रेस रिलैक्सेशन। सो क्रीप इज द ग्रेजुअल इंक्रीज इन स्ट्रेन अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ अ कांस्टेंट अप्लाइड लोड। फॉर example we can see the Maxwell model, while the flow is a rapid deformation by rate and extent with a smaller force. Flow to hame uske upar ko force amuman lagani nahi padti, wo apne load ke upar bhi amuman chal jata hai, lekin fir bhi small force ke upar bhi jo cheez hamari chalti hai hum usko kya kehte hain ji, wo flow hoga, while creep jo hai wo gradual increase hogi, theek hai ji, ek constant applied load ki। तो क्रीप जो है वो स्मॉल डिफॉर्मेशन देगा, वाइल फ्लो जो है उसमें डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगी, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद जी हमारे पास आते हैं स्ट्रेस रिलैक्सेशन। स्ट्रेस रिलैक्सेशन हमारी क्या है जी, स्ट्रेस रिलैक्सेशन जो है ये एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट स्ट्रेन जो होगी वो हमारी स्ट्रेस रिलैक्सेशन बताती है। जैसे हमारा मैक्सवेल मॉडल के अंदर हमने देखा है कि उसमें क्या हो रहा है, आपने कर्व देखी, एक ऊपर जाती है और फिर नीचे की तरफ आ रही है। वो कौन सा मॉडल था, मैक्सवेल था कि वाइट था जी? सर वो मैक्सवेल था। मैक्सवेल था, यस सर। वाइट में तो सर वो स्ट्रेट फिर चला जाता। तो हमारा स्ट्रेट ही वापस जाने वाली बात है ना, हम तो इसी की बात कर रहे हैं। ये अगर ये आप देखें, ये कौन सा मॉडल है, ये वाला सर मैक्सवेल में डायरेक्ट नीचे जाता है ये सर, ये वाइट मॉडल है, ये वाइट मॉडल है, ठीक है जी। तो इस मॉडल को हम जब देख रहे हैं ना, तो ये जो मॉडल है हमारा, ये वहां पे ओरिजिनली हमारे लिए काम कर रहा है। ये हमारे हमें जो चीज बता रहा है वो क्या बता रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास ये स्ट्रेस रिलैक्सेशन हो रही है। जितनी स्ट्रेस हमने दी विद द टाइम पैसेज ऑफ टाइम वो सारी की सारी रिलीज हो गई, ठीक है जी। तो इसमें हम क्या करते हैं, अमूमन क्या करेंगे, क्रीप के लिए जो टेस्ट होते हैं वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। फ्लो वाला तो होता ही होता है ना, फ्लो वाले हम पहले सारे डिस्कस कर चुके हैं, और अगर नहीं डिस्कस किए तो मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने ग्रिफ थ्योरी और उसके साथ फ्लो के लिए बारे में दो चीजें लिखी हैं, वो आपने पढ़ लेनी है। अच्छा जी, तो नाउ डायनामिक क्रीप टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, इसके अंदर एक कॉन्स्टेंट लोड जो है वो हम अप्लाई करते हैं टेस्ट स्पेसिमन में, और कंप्रेशन या टेंशन जो स्ट्रेन होती है या क्रीप उसको मेजर किया जाता है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा जी, और डायनामिक क्रीप टेस्ट जो होते हैं वो क्या होंगे, उसमें लोड वाज अप्लाइड एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है जी,
और फिर चेंज ऑफ स्ट्रेन जो है वो मेजर की जाती है वही फंक्शन ऑफ टाइम के साथ और सॉरी फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ लोडिंग साइकिल्स के साथ. तो क्रीप जो होगा वो फ्रैक्चर एट द एज हमारे लिए उसका प्रीकर्सर होगा. ठीक है जी, क्रीप जो है उसे क्या होगा हमारे पास फ्रैक्चर एट द एज बनेगा. अब इसके बाद ये हमारे पास आती हैं जी रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज. रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हमारी जो हैं वो क्या होती हैं इसके ऊपर जी स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ मटेरियल फ्रॉम सेमी सॉलिड टू अदर. इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले विस्कोसिटी अगर हमारी इंक्रीज कर रही हो और शियर रेट, शियर हमने पहले ही बात की थी कि शियर किस चीज को कहते हैं, एक ऐसी फोर्स जो के ऐसे भी हो और ऐसे भी लग रही हो, ये जो चीज है ये शियर हमारे लिए डिफाइन करता है. सो विस्कोसिटी इफ इंक्रीज्ड एंड विद द एक्शन ऑफ शियर रेट देन वी कैन सी द रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल. न्यूटोनियन इज दैट मटेरियल विच हैव नो इन्फ्लुएंस ऑफ शियर रेट अपॉन द विस्कोसिटी. ठीक है जी, आप जितनी मर्जी शियर को उसके अंदर करते रहें उसकी विस्कोसिटी एक जैसी रहेगी, पानी को आप जितना मर्जी घुमाते रहें उसकी विस्कोसिटी बढ़ने वाली नहीं है. ठीक है जी, फिर क्या होगा इसमें डाइलेटेंट एक आता है, उसके अंदर क्या होगा हम जून जून शियर रेट को हम इंक्रीज करते जाते हैं, शियर रेट हमारा इंक्रीज होता है तो विस्कोसिटी भी क्या होती जाती है इंक्रीज होती जाती है. और तीसरा आता है सूडो प्लास्टिक, इसमें जो ही हम शियर रेट को हम इंक्रीज करते हैं तो हमारी विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है. ठीक है जी, इसकी एग्जाम्पल हम अगर देखें तो एग्जाम्पल हमारे पास आएगी जब हम प्लास्टर को मिक्स करते हैं या हम किसी भी मटेरियल को मिक्स करते हैं. ले जी 10 मिनट सारे रह गए हैं. अच्छा, इसके बाद किसी ने जाना नहीं है, अटेंडेंस मैं दूसरी क्लास में आपकी उसमें ले लूंगा और आप लोगों ने करना सिर्फ इतना है कि उसमें हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे टाइम के बारे में. टाइम मेरे हिसाब से बहुत हमारे पास कम रह रहा है, टाइम फौरी तौर पर खत्म हो जाता है और जो चीज आप लोग जो टाइम बता रहे हैं मेरे हिसाब से वो प्रैक्टिकल नहीं है. कोई कहता है जी 3 बजे आए हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में, जाइएगा नहीं. ठीक है जी, चलिए. यस सर, ठीक है. हाँ ना, वो क्योंकि अभी डिस्कशन में हम टाइम जाया नहीं करते. तो रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फ्लो और डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल, इधर द मटेरियल इज लिक्विड और अ सॉलिड. सॉलिड मटेरियल में भी ऐसी रियोलॉजी होगी, ये ज़हन में रखें. तो शियर स्ट्रेस और शियर डिवाइडेड बाय शियर रेट जो है ये हमारे पास ईटा आता है, ये इसकी जो होती है इक्वेशन होती है रियोलॉजी की. तो अगर आप इसको देखना चाहें तो वो ये होगी. ठीक है जी, कौन भाग गया है. अच्छा जी, नाउ लेस विस्कस मटेरियल विद लो प्रेशर अगर हम उसको एक्सट्रूड करना चाहें तो क्या होगा, शियर स्ट्रेस जो होगी उसमें के, शियर रेट विच इज आल्सो और उसके बाद एन होगा. ठीक है, के एन कांस्टेंट एन जो होगा वो हमारा उसको फ्लो इंडेक्स कहते हैं. न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए इट विल बी 1, एन इज इक्वल टू 1, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू के एन. और शियर थिनिंग का मतलब ये है कि हम किसी चीज को लेके मिक्स करने की कोशिश करते हैं तो उसमें होता क्या है वो थिन हो जाता है, तो ये क्या होगी हमारी लेस देन 1. ठीक है जी, इसकी शियर स्ट्रेस हमारे पास आएगी. और अगर हमारे पास थिक हो जाता है तो इट विल बी मोर देन 1. तो डेंटिस्ट्री में हमारे पास सूडो प्लास्टिक और न्यूटोनियन फ्लूइड्स आते हैं. डाइलेटेड मटेरियल जो है वो बहुत ही रेयर होता है हमारे पास. अभी हम आपको एक और स्लाइड दिखाते हैं जी. इस स्लाइड में अगर हम देखें तो ये आप देखें ये शियर स्ट्रेस है और ये शियर रेट है. जो जो शियर रेट हम इंक्रीज करते हैं न्यूटोनियन में, अगर आप देखें ये ए वाली जो कर्व है, तो इफ वी इंक्रीज द शियर रेट द शियर स्ट्रेस विल इंक्रीज. ठीक है जी, सीधी सिंपल स्ट्रेट कर्व जा रही है. और दूसरे में क्या होगा कि शियर रेट हमने इंक्रीज तो किया लेकिन शियर स्ट्रेस हमारी जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही बल्कि डिक्रीज ही हो रही है एज कंपेयर टू न्यूटोनियन. तो ये जो मेटेरियल होगा इसको हम सूडो प्लास्टिक कहेंगे. तो यहाँ पे एक और आ गया, ये पॉइंट ई हमारे पास है. ई का मतलब क्या होगा, प्रोपोर्शनल लिमिट से ऊपर ना. तो ये हमारे पास एक ऐसा मेटेरियल होता है जिसको हम क्या कहेंगे जी, बता सकते हैं कुछ
सॉरी जाना किधर था मैंने और लेके किधर चला गया। अच्छा जी, इस मटेरियल में हम जब उसको एक ऐसा पॉइंट पे लेकर आते हैं कि उसको हम एक झटका देते हैं, ठीक है, तो उसके साथ क्या होगा, वो एक बिंगम प्रॉपर्टी उसकी बन जाती है। बिंगम प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये एक ऐसी स्ट्रेस होती है कि यील्ड स्ट्रेस तक हम उस पर ले जाके फिर उसके बाद उसमें फ्लो शुरू होता है। समझ आई इस चीज की? पॉइंट ई तक हम पहुंचेंगे और फ्लो उसके बाद शुरू होगा, उससे पहले फ्लो नहीं होगा। जैसे कि हम पहले इस बात इस जो है क्या इसको कहते हैं मटेरियल में देख चुके हैं। ये समझ आ गई आपको इस चीज की? सर ये क्यों समझ नहीं है? हाँ, इसकी यही बता रहा हूँ, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि वो यील्ड स्ट्रेस तक जब तक ना जाए वो फ्लो नहीं करते और इनको हम बिंगम कहते हैं। इसकी मिसाल आप देख लें, टमाटो केचप जो है हमारा, टमाटो केचप को आप ले जाएं और आप एक झटका देते हैं, वो झटके में उसको एक फोर्स मिलती है, एक स्ट्रेस मिलती है, तो उसके बाद वो फ्लो करना शुरू करता है, वरना आप उसको उल्टा लटका के बैठ रहे हैं उसमें से फ्लो नहीं होगा। तो टमाटो केचप जो है ये हमारा बिंगम सोल्यूशन होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, मुर्गे भी बोलने शुरू हो गए अब तो। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास विस्कासिटी और उसका तकरीबन सारा सिस्टम खत्म हो चुका है, सेटिंग टाइम और ये सारे टाइम आप लोग पढ़ चुके हैं। ये आपको एक पिक्चर और दिखाना चाहूंगा मैं, ये है जी असेसमेंट ऑफ सेटिंग टाइम बाय डिटरमिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन। तो ये वही हमारे पास, कौन सी नीडल है ये? जी ये आप लोगों ने पढ़ना है कि ये कौन सी नीडल है। ये देखें, ये मटेरियल सेट नहीं है, ये एक लोड है और ये इसके अंदर पेनिट्रेट कर गई है, और ये जो है ये मटेरियल सेट हो गया है, तो यहाँ पे इसने पेनिट्रेशन नहीं की। और इसके लिए आप लोग अपने एडमोडो के ऊपर जाएं और उसको देखें। खैर उसके ऊपर भी बात अभी बाद में करते हैं कि एडमोडो में हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, ताकि ये आपकी जो है असाइनमेंट्स काफी इकट्ठी होती जा रही हैं, आप कुछ ना कुछ वो भी तो चलाते जाए ना साथ। क्या ख्याल है जी? ठीक है सर, नहीं दे सर, छोड़े सर रमजान। किसको छोड़े जी? असाइनमेंट्स को सर। बहुत अच्छा भाई, असाइनमेंट को छोड़ो, तो आपका क्या ख्याल है कि बस खाली इधर बैठ के वो लगे नहीं, आपने पढ़ना नहीं है कुछ? बस सर रमजान है, ज्यादा काम हम नहीं कर सकते। तो अभी से तुम लोगों का ये हाल है, आगे तुम लोग क्या करोगे? आगे फिर रमजान खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर सारे असाइनमेंट दे देंगे सर। तुम लोग अभी कुछ नहीं कर सक रहे, तो आगे तुम लोगों ने क्या करना है भाईजान? ईद के बाद देखेंगे असाइनमेंट के साथ। चलो खैर है, वो भी देख लेंगे ईद के बाद भी, ईद कौन सी को दूर है। अच्छा जी, इसके बाद ये हमारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज। थर्मल प्रॉपर्टीज के अंदर सीधी सी बात है, वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज नहीं है, सिंपल रूल्स हैं हमारे थर्मल में। अगर आप देखें तो थर्मल प्रॉपर्टीज अगर हम जाते हैं तो तीन चीजें हमें मिलती हैं किसी भी चीज को देखने के लिए, कंडक्शन जी, कन्वेक्शन और जी रेडिएशन। हाँ, तो ये तीनों चीजें होती हैं, ये हमारी डिटरमिन करती हैं किसी भी चीज की थर्मल प्रॉपर्टीज के लिए। सॉरी, अच्छा जी, तो यू पीपल आर वेल अवेयर ऑफ दीज थ्री मेथड्स ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ हीट। सो फॉर थर्मल प्रॉपर्टीज दीज थ्री थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। एक आध मिनट है, उसके अंदर देख लेते हैं। और दूसरा रूल हमें अच्छी तरह से पता है कि व्हेन वी हीट एनी मटेरियल इट विल एक्सपेंड एंड इट कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। तो इसके अंदर अब हमारे पास दो तीन प्रॉपर्टीज आती हैं। नंबर वन इज द थर्मल कंडक्टिविटी।
ठीक है जी, थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी हमारे पास क्या होगी, रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है जी, और ये क्या होता है जी हमारे पास, सॉरी यहां पे हमने इसको करना था, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी हमारी जी, रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो, हीट फ्लो पर यूनिट टेम्परेचर, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है ना, टेम्परेचर के अंदर हमारा उतार चढ़ाव होगा। तो इसके अंदर क्या होता है, जो गुड कंडक्टर होगा हम किसको कहेंगे, हाई वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी जो शो करेगा जिसमें कंडक्ट, हाँ बिल्कुल, जो हाई वैल्यूज शो करेगा ना वो गुड कंडक्टर होगा, जो लो वैल्यूज शो करेगा वो गुड कंडक्टर नहीं। ठीक है जी, बैड होगा, बस अब बैड उसको कह लो। अच्छा जी,